एक खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। वो खबर है बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की, जिसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला जवान ने थप्पड़ मारा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के बाद महिला जवान वहां से निकल जाती है। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच अब एक्शन लेते हुए CISF की महिला जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। CISF जवान कुलबिंदर कौर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, क्योंकि कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी की थी, जिसमें उनकी मां भी बैठी हुई थी। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बयान साझा करते हुए कहा कि मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे शुभचिंतकों और मीडिया के। मैं सुरक्षित हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज जो हादसा हुआ वह सिक्योरिटी चेक के साथ हुआ। वहां सिक्योरिटी चेक कर जब मैं निकली तो दूसरे कमरे में CISF की जो सुरक्षा कर्मी थी उन्हें पास करने का प्रयास किया तो उन्होंने सामने से आकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो गालियां देने लगी। जब उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करती हैं। मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता ये है कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। जिसके बाद CISF की महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ मारने के बाद कहा कि इसने बयान दिया था कि 100-100 रुपए में लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, मेरी माँ किसान आंदोलन में बैठी थी, ये क्या वहाँ बैठेगी। बता दें कि यह पूरी घटना गुरुवार दोपहर 3:30 पर हुई, जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान उनके साथ यह घटना घटी। इसके बाद कंगना रनौत ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की, जिसके बाद अब एक्शन लेते हुए महिला जवान कुलबिंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें News.live।